हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए पीटीटी का प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, ये एग्ज़ाम जो है आपका 12 मई 2019 को आयोजित किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं पीटीटी बीए बीएड बीएससी बीएड भर्ती परीक्षा 2019 हल प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है गाइस, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे। गाइस अगला क्वेश्चन, आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे? ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनको कक्षा गतिविधियों में व्यस्त रखकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है और वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कारण जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। देखिए गाइस, थोड़े से क्वेश्चन जो है वो धुंधले हैं, तो आप लोग वीडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, तो सारे क्वेश्चन समझ में आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि आपको किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है तो आप इसे किस पर आधारित करेंगे? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिद्धांत अभ्यास अनुसंधान। गाइस अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? विषय की समझ पर, तार्किक प्रस्तुतिकरण पर? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंधों यथा परिवार, पड़ोसी, मित्रों, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना, यह कथन किसका है? पूर्णता सही, ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व तो कार्यक्रम शिक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनकी नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते, यह कथन कैसा है? यह कथन है असत्य। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विषयों का सही ज्ञान। अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो आपकी प्रथम प्रक्रिया क्या होगी? तो आपकी जो प्रथम प्रक्रिया है प्रतिक्रिया वो क्या होगी? प्राथमिक उपचार देना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? दंड शिक्षण का अभिन्न अंग है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा अनुशासन अत्यावश्यक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं, तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए आप लोग। एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षण के लिए भाव प्रवण होता है, वे विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझने के लिए, यह कथन है? ऑप्शन ए, पूर्णता सही। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है, तो कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है ऑप्शन सी, एक प्रेरक की के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जा सकता है, इन संप्रेषण को कहा जाता है अंतःक्रिया संप्रेषण, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह ऑप्शन ए अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है। गाइस अगला क्वेश्चन, आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद एवं संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उचित मंच पर अपनी बात रखूंगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है, तो कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती होती है ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। अगला क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक परिपक्वता किसी व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक संबंधों, व्यवहार की उपयुक्तता, सामाजिक समस्या समाधान एवं निर्णय की सक्षमता के विकास का मापक है, यह कथन है, तो यह कथन पूर्णतः सही है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस, आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है, ऑप्शन बी छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना के। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नज़र रखकर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस, समर्थनकारी सामाजिक मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध शिक्षक नेतृत्व की कुंजी है, इसके लिए सभी विद्यार्थियों व विशेषताओं के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है, यह कथन है, ऑप्शन ए पूर्णतः सही, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तत्व को समझाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो गाइस ये कहलाता है शिक्षण कौशल, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या अत्यावश्यक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रोचक छात्र शिक्षक अंत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है ऑप्शन सी भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन ए सहानुभूति। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक एवं घनिष्ठ, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए कुछ समय के प्रति शांत रहकर फिर शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे। गाइस अगला क्वेश्चन, सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने के लिए तैयार हो तथा उनसे उनको नेता बनाने के कौशल विद्यमान हो, ये कथन है, ऑप्शन ए पूर्णतः सही। ठीक है अगला क्वेश्चन, छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों की समस्या समाधान में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक में क्या करना चाहिए? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करेंगे? तो ऑप्शन ए, छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीमान कपूर बहुत मेहनती व आदर्श शिक्षक हैं लेकिन फिर भी असफल हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि पिछली बैच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन बी, एक मित्र मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, तो कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की अधिगम अभावों व कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? ऑप्शन सी, निरंतर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन है गाइस, छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन बी, चर्चा विधि, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन बी, बताएंगे उत्तर गलत कैसे है। अगला क्वेश्चन, सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी, विनम्र हो दृढ़ता से मना कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार पाठ योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? ऑप्शन सी, कालक्रम पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ व धारण कर सकें। गाइस अगला क्वेश्चन, राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण ब्लैक बोर्ड देख नहीं पा रहा है, वह बार बार उड़ता है, देखता है और बैठ जाता है, आप इसमें क्या अनुमान लगाएंगे? राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, विषय पर अधिकार का अभाव। अगला क्वेश्चन, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन सी, चर्चा, समूह चर्चा का। अगला क्वेश्चन, आप अपनी पाठ योजना कैसे बनाते हैं छात्रों के समझ के स्तर का निर्धारण करके? तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षक की पेशवरता की बेहतरीन परिभाषा क्या हो सकती है? किस सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक सहायता को, ठीक है, अब यहाँ से आपके सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, मायोपिया दोष पाया जाता है, तो मायोपिया जो दोष है ये फेफड़ों में पाया जाता है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरे हैं, तो दाऊदी जो बोहरे हैं ये राजस्थान के हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन आता है जब कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है? ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगापुर। ओके, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, तो राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? तो भारत में पर्यावरण नीति वर्ष 2006 में प्रकाशित हुई, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो भारत का सिलिकॉन राज्य है कर्नाटक, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम 2018 की अगर बात करते हैं
2018 में डीपी सिंह थे यूजीसी के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है गाइस कि वरंडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है, तो वरंडी लोक नृत्य का मंचन जो है मध्य प्रदेश की अहिर जाति के नर्तकों द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1946 में राजेंद्र प्रसाद की को कौन सा विभाग अंतरिम सरकार का गठन में हुआ था? ऑप्शन सी खाद तथा कृषि, तो खाद और कृषि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूएसए के नए राज्य सचिव कौन है? तो यूएसए के नए जो राज्य सचिव थे 2018 की बात कर रहा हूँ, माइक पोम्पियो, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूएसए के वर्तमान राज्य सचिव कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है एंटनी ब्लिंकन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमू राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? ग्रीनलैंड जो है ये अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया है? ऑप्शन ए उड़िया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा वर्तमान में दिया गया है। रॉलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? ऑप्शन ए ओडिशा समुद्र तट, तो ओडिशा समुद्र तट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, क्वेश्चन है गाइस की नाली नस्ल है, तो नाली जो नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे की 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? ऑप्शन बी सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किससे संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया? तो एवोल्यूशन सिद्धांत जो है गाइस ये चार्ल्स डार्विन ने दिया, तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, मियां राजा की पदवी जहांदार शाह ने किसको दी? ऑप्शन बी जय सिंह, तो जय सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन नेताओं में से कौन अकेला व्यक्ति था जिसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर है 86.668 रुपये, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का द्वार जो है ये पनामा नहर को कहा जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है रविनाथ टैगोर के द्वारा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनोफेलीज मच्छर कारक है, तो ये कारक है मलेरिया का, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया। ऑप्शन सी विलियम नॉट हॉस और पॉल एम रोमर। मैं 2018 की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य है 48.4 लाख। अगला क्वेश्चन, 2022 में विंटर ओलंपिक ये कहाँ पर हुए हैं? ऑप्शन ए बीजिंग चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन गाइस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमिन्यूएल मैक्रोन ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिस मिशन भारत भेजा? ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में सुनील अरोड़ा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है गाइस ये मंगोलिया में स्थित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई अमर्त सेन के द्वारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AGM AR के प्रमाणीकरण है? ऑप्शन वी कृषि प्रमाण का। अगला क्वेश्चन, किसने YVA टायर का आविष्कार किया? ऑप्शन ए जॉन वाइट डनलप। खेतड़ी जाना जाता है, तो खेतड़ी जाना जाता है ताम्र परियोजना के लिए, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो खनिज चुनिए जिसमें राजस्थान का समस्त उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। ऑप्शन ए बोल स्टोनाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सघन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक हैं? तो सघन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक हैं ऑप्शन बी मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब इसमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि बी होगा या सी होगा। गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा पवन। तो सौर मान के चलिए सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यूपी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। इनमें से कौन से राज्यों का बुद्ध के जीवन से संबंध है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मगध, तो मगध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कुमार शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है? कुमार, ऑप्शन बी इज राइट। शतावधानी का अर्थ क्या है? तो शतावधानी का अर्थ होता है 100 आदमियों की रक्षा करने वाला, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में हो जाएगा ऑप्शन बी बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, शुद्ध रूप है? तो यहाँ पे देखिए गाइस शुद्ध रूप की बात हो रही है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका उज्जवल। अगला क्वेश्चन, समास के विषय में यह वाक्य सही नहीं है?
ऑप्शन सी, समस्त पद में बीच के पदों के कारण चिन्ह लुप्त तो हो जाते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है, ऑप्शन ए शा सत्कोण सा और हा। शुद्ध शब्द, तो यहाँ पर देखिएगा शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो दंपति ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। धनंजय का अर्थ नहीं है, धनंजय का अर्थ नहीं है वायु, तो वायु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसोई का तत्सम शब्द क्या होता है गाइस, तो रसोई का तत्सम शब्द होता है रसोवति, ऑप्शन सी। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राची का विलोम शब्द होगा प्रतीची, ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इस लोकतृति का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन वी लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। अंगूठा दिखा देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मदद करने से मना कर देना, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ढोंड़ी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, 165वां क्वेश्चन देखिएगा। ढोंड़ी शब्द का होता है ध्यानी, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द हो जाएगा वधई, ऑप्शन सी राइट। घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुंभज ये घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तारीख आज हो गई है 13 तारीख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसमें ला प्रत्यय नहीं जुड़ा है यह शब्द है, तो जिसमें ला जुड़ा नहीं, तो देखिए मर्दुल प्रत्यय की बात हो रही, मर्दुल सुनील मुरझुल शीतल, तो मुरझुल ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है।